नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 9i Sport वर्सेस Infinix Hot 12 Play का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 9i Sport में 6.49 इंच जबकि Hot 12 Play में 6.73 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 9i Sport में 3.03 इंच जबकि Hot 12 Play में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 9i Sport में 194 ग्राम जबकि Hot 12 Play में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 9i Sport से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 9i Sport में 20:9 जबकि Hot 12 Play में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 9i Sport में 6.53 इंचेस जबकि Hot 12 Play में 6.82 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 9i Sport में 720x1600 और Hot 12 Play में 720x1640 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 9i Sport में 81.08% जबकि Hot 12 Play में 82.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 9i Sport में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Hot 12 Play में 263 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 9i Sport में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Hot 12 Play की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 9i Sport में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Hot 12 Play की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 9i Sport में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Hot 12 Play में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 9i Sport में पावर GE8320 जबकि Hot 12 Play में Mali-G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 9i Sport में MediaTek Helio G25 और Hot 12 Play में Unisoc T610 मिलता है। बात करें RAM की तो 9i Sport में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि Hot 12 Play में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 9i Sport में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Hot 12 Play में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 9i Sport में अप टू 512GB जबकि Hot 12 Play में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 9i Sport में Android V10 Q जबकि Hot 12 Play में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी 9i Sport में 5000 mAh जबकि Hot 12 Play में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 9i Sport में 3 कलर्स जबकि Hot 12 Play में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 9i Sport में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,799 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 9,299 रुपीस में मिलता है। और बात करें हॉट 12 प्ले की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 9i Sport में 2 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Hot 12 Play की तो उसमें 5 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Hot 12 Play आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10S है, दूसरा Oppo A16 है, तीसरा Xiaomi Redmi 10A है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto E40 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।